टेस्टी और सुपर हेल्दी आटा पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा पैन। तो कोशिश करके हेवी बॉटम पैन ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं नॉनस्टिक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये मोटे तले का है। इसके ऊपर हम रख देंगे छन्नी और इसके ऊपर हम छानेंगे 1 कप गेहूं का आटा, यानी कि व्हीट फ्लार, यानी कि रेगुलर आटा जो हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसकी सारी थोड़ी बहुत गुठलियाँ वो निकल जाएंगी, कोई हल्का सा हो जाएगा आटा। आटा जैसे थोड़ा सब छानते हैं तो एकदम अच्छे से हवा भर जाती है और एकदम इवन टेक्स्चर का रहेगा। तो ये देखिए एक्स्ट्रा मैं फेंक दूंगी। तो गैस इस वक्त बंद है, अब इसको हम लगा देंगे गैस के ऊपर। इसको रख देंगे गैस के ऊपर और इसको रोस्ट करेंगे। इसको रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स लो मीडियम फ्लेम पे, करीबन 7 से 8 मिनट के लिए। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि कैसे भून रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से भूनना है, बढ़िया तरीके से भूनना है, जैसे कि आटे का जितना भी कच्चापन है ना वो पूरा निकल जाए और आटे का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो इसे लगातार भूनते जाइए जब तक आपको ऐसे लगे नहीं कि भूना हुआ है, हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लगेगी आपके घर में। तो इसको बस ऐसे भूनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 कप आटा यूज़ किया है। आप चाहें तो इस 1 कप आटा के साथ 2 टेबलस्पून बस बेसन भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है पेड़ा में और हल्की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, वो नटी नटी फ्लेवर आता है ना, हल्का सा नटी फ्लेवर आ जाएगा बेसन का। तो अगर आपको चाहिए तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बार बनाया था हल्के से बेसन के साथ, बहुत मज़े के बनते हैं पेड़े। तो बस इसको लगातार भूनते जाएंगे। ये देखिए हल्का सा डार्क होना स्टार्ट ही हो गया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, वरना क्या होता है जल्दी से डार्क हो जाएगा। तो लगातार इसको चलाते ज़रूर रहना है। तो इसको भूनते हुए करीबन 6 मिनट हो गए हैं। ये देखिए थोड़ा सा कलर डार्क भी हो गया और ये आटा ऐसा हल्का हो गया, जैसे भूनने के बाद ऐसे हो जाता है ना। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे घी। तो यहाँ पे टोटल घी मैंने यूज़ किया है, मेल्ट किया हुआ घी 1/3 कप, यानी कि करीबन 5 से 6 टेबलस्पून है। इसको पूरा एक साथ ऐड नहीं करना है, इसको बैचेस में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वक्त करीबन 6 मिनट के बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और फिर से इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। तो इसको फिर से भूनते जाइए घी के साथ, तो अच्छे से भून जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देसी घी ही यूज़ कीजिएगा कोशिश करके, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। क्योंकि आटा क्या होता है ना, थोड़ा सा डेंस होता है, मतलब थोड़ा सा अलग उसकी क्वालिटी होती है, तो घी के वजह से ही उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसको लगातार भूनते जाएंगे। और फ्रेंड्स मैंने दूसरे भी काफ़ी सारे पेड़े और काफ़ी सारी मिठाई बनाई है मेरे चैनल में, उसे चेक ज़रूर कीजिएगा। मैं सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए भूना और फिर से इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून और घी और फिर से इसको भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक के और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना होते जाए। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे, घी डालते जाएंगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि अभी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। और ऐसे जो भी गाँठे आए ना बीच बीच में, आप उसको लम्ब्स को ऐसे स्पैटुला से तोड़ते जाइए। ये देखिए काफी अच्छा गहरा कलर का आ गया है, थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि इसको और घी की जरूरत है तो थोड़ा सा डाल दीजिए। वैसे इतना सा घी मेरे पास बचा है, आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं या फिर बाद में भी डाल सकते हैं, ये पूरा घी हमको यूज ही करना है। तो बस ये जब कलर का आ जाए, ये देख सकते हैं आप कलर, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। जब ये हल्का गर्म ही है तो इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। वैसे फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, लेकिन क्या होगा ना, इससे एक्स्ट्रा क्रीमीनेस आ जाती है, बिल्कुल जैसे कि हम कंडेंस मिल्क या फिर खोया डालते हैं ना किसी भी मिठाई में, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आ जाता है। और मिल्क पाउडर क्या एकदम ड्राई रहता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है सबको। तो मिल्क पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो खोया या फिर कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी आटा इस वक्त गर्म है ना, तो उसमें अच्छे से भुन जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी के लिए आपको ना तो चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही मावे की। जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे ही अवेलेबल होते हैं, तो उसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस पेड़ा को ज़रूर से ट्राई करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ बहुत सारी मिठाई बनाने के लिए। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आपको और कौन सा पेड़ा देखना है मेरे चैनल पर।
पक्का से कमेंट करना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। तो मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, और देखिए जब ऑफ द फ्लेम आप रखेंगे ना, ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होने लगा है, यानी कि वो घी छोड़ने लगा है। जैसे कि नॉर्मल हम बेसन लड्डू बनाते तो कैसे ऊपर से ऐसे दिख जाता है कि अभी घी छोड़ रहा है, तो इसमें काफ़ी सारी नमी आ गई है ये देखिए। और ये हल्का सा ही गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पिसी हुई शक्कर। आप चाहें तो बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म आटे में फ्रेंड्स शक्कर नहीं डालना है, वरना क्या होगा, वो शक्कर मेल्ट हो जाएगी और आपका हलवा बन जाएगा। तो हमको हलवा नहीं बनाना है, पेड़ा बनाना है। तो आधा कप मैंने यहाँ पे शक्कर यूज़ किया, आप चाहें तो दो टेबलस्पून और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन इससे परफेक्ट मीठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। और इसको भी मिक्स कर लेंगे जैसे कि सारी शक्कर आपस में अच्छे से मिलजुल जाए। और ये हल्का सा देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मैं दबाती जा रही हूँ ऊपर घी आ रहा है, इसी की वजह से हमारी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। वैसे हमारा घी थोड़ा सा बचा भी हुआ है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो मैं बाकी का बचा हुआ घी इस वक्त डाल दूंगी, जब हल्का गर्म है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, तो जैसे जैसे आप घी डालते जाएंगे ना, वो आपको खुद को पता चलेगा कि लड्डू जैसा फॉर्म हो रहा है या फिर पेड़े जैसा फॉर्म हो रहा है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप बिल्कुल एक से दो टेबलस्पून घी और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घी से ही तो परफेक्ट फ्लेवर आएगा इसमें। और घी डालने के बाद ना फ्रेंड्स, इसको ऐसे दबा दबा के इसे मसलिएगा, मतलब दबा दबा के इसको ऐसे मिक्स कीजिएगा, तो उससे क्या होगा, अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। ये देखिए अब ऐसा टेक्सचर का आ गया है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी घी, बस मैं बचाने के लिए घी ना यूज़ करके फ्रेंड्स मैं यूज़ करी बस एक से दो टीस्पून दूध। बहुत ज़्यादा दूध नहीं यूज़ करना है, वरना क्या होगा, हलवा बन जाएगा जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि अगर नमी बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है ना आटा, तो वो हलवा ही बन जाता है, वो उसकी ऐसी क्वालिटी होती है। तो थोड़ा सा देखा मैंने आपने, बस एक से दो टीस्पून आप हल्का गर्म दूध डाल सकते हैं इसमें, बस इतना कि एक बाइंडिंग स्टेज आ जाए। और फिर इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ परात में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए बाइंडिंग स्टेज में आ गए, देखिए हाथ में जब मैं फॉर्म कर रही हूँ तो लड्डू जैसा बन रहा है। बस ये परफेक्ट स्टेज है पेड़ा बनाने के लिए। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सिंपल पेड़ा बना के ऊपर से पिस्ता लगा के गार्निश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये पेड़ा प्रेस। ये 3-4 अटैचमेंट्स के साथ आता है, बहुत ईजिली मिल जाता है अमेज़ॉन में, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये स्पेशली फेस्टिवल्स के लिए। और मैं ये वाला मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे अपने हाथों में, छोटे बड़े जैसे आपको पेड़े बनाने, और उसको नीचे प्लेस कर देंगे और ऊपर से ये डाल देंगे पेड़ा प्रेस, और इसको दबाएंगे 2-3 बार। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना परफेक्ट शेप आया, कितना प्यारा भुना हुआ पेड़ा दिख रहा है। बस यही खास बात होती है इस पेड़ा प्रेस की, थोड़ा सा स्पेशल लगते हैं पेड़े, और ऐसे लगता है कि कुछ मेहनत की है हमने, वरना आप चाहें तो नॉर्मली ऐसे छोटे पेड़े भी बना सकते हैं जैसे नॉर्मली हम मथुरा पेड़ा बनाते हैं वैसा। तो इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो बस सारे पेड़े तैयार हो गए, इनको प्लेट अप कर देंगे। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, कोई भी एयरटाइट डब्बे में 3-4 दिन तक, या फिर फ्रिज में तो आप काफ़ी दिनों तक के स्टोर कर सकते हैं इसको। अगर आप चाहें तो एज इट इज़ रखें, या फिर आप चाहें तो इसको पिस्ता या फिर बादाम से भी गार्निश कर सकते हैं। लग रहे हैं ना एकदम ब्यूटीफुल और एकदम डिग्निफाइड। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ वाकई अच्छी लगती है ना, तो इसे लाइक करना ना भूलेगा, तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये पेड़ा कैसा लगा, या फिर और कौन सा पेड़ा आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल में, या फिर आपको कौन सा पेड़ा पसंद है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मैंने इनको प्लेट अप कर दिया है, तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर एकदम खोए जैसा टेक्सचर है, परफेक्ट भुना हुआ जैसे मावा होता है ना वैसा। और ऐसा नहीं है कि आटे का हमने बनाया तो बहुत गीला गीला सा है, परफेक्ट टेक्सचर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई, मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।